आप गुंडागर्दी करें मैं ख़त्म कर दूंगा। गुंडागर्दी रोज देखो, नोडाम चैन स्केचिंग, मार धाड़ या गोली मार देना, रोज मर्डर हो रहे हैं, क्या है ये? इसलिए बीजेपी का जो अपना पहले सिस्टम था उससे बीजेपी भटक गई है, इसलिए मैं बीजेपी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। कार्यकर्ता भी नाराज है, जनता भी नाराज है, रोजगार का प्रचार होता, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। आप किसी से जाके पूछे, किसी युवा वर्ग से, किसी को रोजगार मिल रही, हर आदमी परेशान है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कहा गया था सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हो रहा, किसका विकास हो रहा? साथ तो सबका मिला था, साथ तो सबका मिला, विकास तो सिर्फ बड़ों का हो रहा है, छोटों का कहीं कुछ नहीं विकास हो रहा है। बहुत घटेगा, ये जितनी बड़े होंगे सबसे छोटे हो जाएंगे अगर इनका यही रवैया रहा तो। अगर बड़े नेताओं ने जिले में ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं पर छोटे कार्य ध्यान नहीं दिया, तो सबसे बड़ी से सबसे छोटी हो जाएगी। अगर यही रवैया इनका तो अब की बार कोई नहीं जीतेगा बीजेपी से, सब हारेंगे अगर यही रवैया रहा इनका तो। थ्री व्हीलर गुड्स करियर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष हूँ 94 से। 98 से मैं बीजेपी में मंडल में मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, दो बार मंडल अध्यक्ष रहा, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा, गौतम बुद्ध नगर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ। आज स्थितियाँ ऐसी बना दी यहाँ के संगठन ने नोएडा में कि जिस वजह से हमें बीजेपी से त्यागपत्र देना पड़ रहा है। नोएडा में आप देखो पानी गंदा आ रहा है, गंगा जल की बात हो रही, गंदा पानी आ रहा है। COVID-19 के चक्कर में बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए लेकिन बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे लेकिन स्कूल की फीस देनी पड़ेगी, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा? आप गुंडागर्दी करें मैं ख़त्म कर दूंगा। गुंडागर्दी रोज देखो, नोएडा में चैन स्केचिंग, मार धाड़ या गोली मार देना, रोज मर्डर हो रहे हैं, क्या है ये? इसलिए बीजेपी का जो अपना पहले सिस्टम था उससे अब बीजेपी भटक गई है, इसलिए मैं बीजेपी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। क्या आपने अपने अधिकारियों से, पदाधिकारी जो सीनियर हैं, आपने उन लोगों से इस संबंध में बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए? एक बार नहीं, 20 बार 50 बार कहा है कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, इसको संभालो। बड़े भी क्या करते, इधर सुना उधर निकाल दिया, उसका समाधान नहीं करते। हर कोई चाहता कि हमारी पार्टी सत्ता में, हमने बहुत दिनों से ख्वाब देखा था हमारी पार्टी भी सत्ता में आएगी, पार्टी सत्ता में आ गई, 3 साल से देख रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ। एक लंबे समय हो गया सरकार में रहते हुए बीजेपी को, 5 साल पिछले गुजारे और अभी भी काफ़ी वक्त आ गया है, तो आपने अब ये डिसीज़न क्यों लिया है? क्योंकि अब ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं, जब से COVID-19 चला है तब से वो समस्या हुई, हर गरीब आदमी मर रहा, भूखों उसको कोई कुछ नहीं मिल रहा, आदमी परेशान है, इसीलिए भ्रष्टाचार देखो आप, रिश्वत डबल हो गई। मतलब आपका कहने का है कि COVID-19 के बाद में और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल हो चुका है रिश्वत। तो क्या इस दौर में जो बीजेपी की जो व्यवस्था थी वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रही? बिल्कुल नाकाम रही, बिल्कुल फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई। रोजगार के मुद्दों को लेकर भी जो है युवा सोशल मीडिया पर काफ़ी मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और आपने देखा होगा मन की बात में लाखों लोगों ने डिसलाइक करके अपना आक्रोश दिखाया है, तो क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जनता में नाराजगी है, किस तरह का भविष्य है? कार्यकर्ता भी नाराज है, जनता भी नाराज है, रोजगार का प्रचार होता, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। आप किसी से जाके पूछे, किसी युवा वर्ग से, किसी को रोजगार मिल रही, हर आदमी परेशान है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। कहा गया था सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हो रहा, किसका विकास हो रहा? साथ तो सबका मिला था, साथ तो सबका मिला, विकास तो सिर्फ बड़ों का हो रहा है, छोटों का कहीं कुछ नहीं विकास हो रहा है, किसका छोटे का विकास हुआ कोई बता दे एक आदमी? और आप तो मीडिया वाले, आप पता करें, कहीं विकास नहीं है, साथ सबका मिला, विकास किसी का नहीं। बीजेपी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनाई जाती है, तो क्या लग रहा है इनका ग्राफ घटेगा? बहुत घटेगा, ये जितनी बड़े होंगे सबसे छोटे हो जाएंगे अगर इनका यही रवैया रहा तो। अगर बड़े नेताओं ने जिले में ध्यान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं पर छोटे कार्य ध्यान नहीं दिया, तो सबसे बड़ी से सबसे छोटी हो जाएगी। जो गौतम बुद्ध नगर है, वैसे तो बहन कुमारी मायावती का जनपद कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बीजेपी को पूरा सपोर्ट किया, 3 विधायक हैं यहाँ पर और सांसद भी यहाँ 2 बार चुने जा चुके हैं, तो लोग तो यहाँ के चाह रहे हैं बीजेपी यहाँ सरकार बार बार आए। अगर यही रवैया इनका तो अब की बार कोई नहीं जीतेगा बीजेपी से, सब हारेंगे अगर यही रवैया रहा इनका तो। कैसा रवैया रहा जो अभी तक चल रहा कार्यकर्ताओं के साथ? वोट मांगे, वोट हर आदमी सपोर्ट करता है, बीजेपी आगे सबको सपोर्ट किया, विधायक बन गए, सांसद बन गए, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बन गए, उन कार्यकर्ताओं को भूल गए। लेकिन ये जो नोएडा है, जो गौतम बुद्ध नगर शहर कहा जाता है, एशिया में इसका नाम है काफ़ी बड़ा, यहाँ प्रधानमंत्री भी रैली कर चुके हैं कई कई बार, मुख्यमंत्री योगी जी आ चुके हैं कई कई बार, बाकी और जो बीजेपी के बड़े मंत्री हैं केंद्र में वो भी यहाँ आते हैं,
तो लोग तो चाहते हैं कि यहाँ आए बार बार, उनको काफ़ी यहाँ पे सफलता मिलती है बीजेपी को। मैं भी चाहता हूँ प्रधानमंत्री बार बार आए, मुख्यमंत्री इतनी बार आए, प्रधानमंत्री तक नोट आगे किसी कार्यकर्ता थे बोलो कि आप प्रधानमंत्री से मिल सके या योगी से मुख्यमंत्री से मिल सके, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन आप इतने लंबे समय से पार्टी में थे तो अभी अचानक क्यों आपको? अचानक नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा था, कह रहा था उनसे लोगों को समस्या का समाधान नहीं, इसलिए पार्टी छोड़ दी। हर कोई नेता यही कहता जब पार्टी से निकलता। ठीक है, मैं तो ठीक कह रहा हूँ, कौन कैसे कहता वो मुझे पता नहीं। हर पार्टी का नेता निकलता होगा तो हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें सम्मान नहीं मिलता। हाँ तो बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा, इसलिए छोड़ रहे। कैसा सम्मान? आपको पदाधिकारी नहीं बना गया है? पदाधिकारी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ता की बात तो सुनी जाए कि समस्या है तो बड़े नेता समाधान करें उसका, या उसको कहें जो संगठन में देख रहा है वही इसका समाधान करिए। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद में नोएडा भी जो है यहाँ का कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका है, यहाँ पुलिस प्रणाली बदल गई है और आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है? अपराध बढ़ रहा है, आप देखो अपराध बढ़ रहा है, रिश्वत बढ़ गई, पुलिस किसी की सुनती नहीं है। अभी हमारा एक कार्यकर्ता बड़ा वरिष्ठ कार्यकर्ता सेक्टर 24 थाने में उठा के बंद कर दिया, उसमें क्या केस था? कोई केस नहीं था। हमारा यह महानगर का अध्यक्ष धरने पर बैठा, उसके बाद भी उसको जमानत में छोड़ा गया, केस चल रहा है और कोई पुलिस वाला ना ससमेंट हुआ ना बरका कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? उसमें क्या अपराध था जो उसको उठा के बंद कर दिया? लेकिन जो योगी जी हैं वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है हर साल यूपी के 70 लाख लोगों को रोजगार दिया है। कहाँ है रोजगार, किसके पास है रोजगार, ये आप सर्वे करें। नोएडा में बाहर की कंपनियाँ आई हैं ऐसा कहा जाता है। 300-350 कंपनियाँ बंद हैं जो कि नोएडा, बाहर से कहाँ से आई कंपनियाँ? 300-350 कंपनियों तारे लग चुके हैं, कहाँ से रोजगार मिलेगा? ये तो प्रचार हो रहा कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ, कहाँ हैं कंपनियाँ, कहीं दिखाई दे रही है? आप बताओ, जो यहाँ के मूल काश्तकार जो मूल किसान हैं यहाँ के, उनकी आबादियों के मामले भी नहीं सुलटे गए हैं, वो परेशान हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं अवैध निर्माण के नाम। ये बहुत गलत है, जो यहाँ का मूल निवासी या किसान है उसकी सारी ज़मीन चले गई, उसके बच्चे क्या खाएंगे क्या करेंगे? उसको आबादी दी जानी चाहिए, उसको नौकरी दी जानी, कुछ नहीं हो रहा, उनके घर तोड़े जा रहे, आबादी तोड़ी जा रही। तमाम इस तरह के ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी विधायक या सांसद या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी देखने को मिलती है, तो क्या लगता है कि पूरी पार्टी में जो है एक सुगबुगाहट है, एक हलचल है, कोई असंतोष है? बिल्कुल पूरी तरीके से असंतोष है, विधायकों की नहीं सुनी जा रही। अब दिव्या औरिया का कांड देख लो, अभी वहाँ का विधायक उसकी नहीं सुनी गई, वो सीधा आरोप लग रहा कि दरोगा पैसे लेता है, वो समाधान करता है। आप कहीं देखो, सब जगह यही चल रहा है, जब विधायक की नहीं सुनी जाएगी तो हम जैसे कौन सुन रहा है? तो क्या कहना चाहते हैं आप, एक तानाशाही का रवैया चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? ऊपर से तानाशाही होना हो, लेकिन जिले में जरूर तानाशाही है। लेकिन एक नैरेटिव और चल रहा है योगी सरकार को लेकर के, योगी सरकार जो है वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ब्राह्मणों को निशाना बना रही है। आप भी पार्टी में रहें तो क्या ऐसा ये सही है बात? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, क्या लगता है क्या वहाँ के किसान संतुष्ट दिखाई देते हैं आपको? नहीं संतुष्ट, जबरदस्ती उनसे जमीन ली गई, कोई संतुष्ट नहीं है।